अगर कोई भी व्यक्ति अल्लाह के बताए हुए पैगाम के खिलाफ जाता है, उसकी शान में गुस्ताखी करता है, अगर कुरान में बताई हुई आयतों की कोई भी बुराई करता है, तो उसका सर कलम हो जाना चाहिए। पर अगर आयतों से, बताए हुए रूल्स से, पैगाम से समाज में किसी वर्ग का बुरा हो रहा है, कोई वर्ग पीड़ित हो रहा है, तो क्या समाज को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? आपको क्या लगता है? हम इस वीडियो में मुस्लिमिज्म के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो का एकमात्र मकसद समाज सुधार और कुछ भी नहीं। मैं इस बारे में बात करने वाला कौन? मैं सरजीत सोनी, डेली लाइफ विवेकानंद और दर्शन जैसी किताबों का लेखक, टेडएक्स स्पीकर। आइए इस बारे में बात। अरे मजहब में कोई कुप्रथा नहीं है, कौन क्या मानता है क्या नहीं मानता है हमें कतई इस बात से बहस नहीं है। हमारे मजहब में कोई कुरीति नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि जो मोमडन लड़कियां हैं या लेडीज हैं, उन्हें पढ़ाई चाहिए या हिजाब वगैरह, इसका विवाद चाहिए कि मतलब आप जाओ स्कूल में पढ़ो या ये सिखाया जाए कि आप हिजाब बांध के जाओ वहाँ पे? यही सबसे बड़ी परेशानी। दूसरी बात, आपकी सबसे बड़ी परेशानी यही है, आपने इस्लाम पर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी है। कोई मैंने इस वीडियो को कमरे में बैठ के नहीं बनाया, मैंने इस वीडियो को बनाने के पहले बहुत सारे अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों से बात की, उसके बाद इस वीडियो की स्क्रिप्ट तक पहुंचा। उस बारे में पूरी बात करेंगे, पर पहले आप एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, वो है रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट, कि रिवॉल्यूशन क्रांति होती क्या है। क्रांति को आप एक बहुत तीखे नजरिए से देखते होंगे, पर क्रांति एक बहुत ही समान सी चीज है। जब एक समाज में बहुत बड़ा वर्ग पीड़ित होने लगता है, तो वो उस पीड़ा के खिलाफ क्रांति करता है और फिर समाज में सुधार आता है। हमारे पूरे के पूरे इतिहास में करोड़ों क्रांतियां हुई, छोटी से लेके बड़ी तक, और धर्म में भी ऐसा ही होता है। बहुत समय पहले धर्म बनाए गए थे और उस समय के समाज के हिसाब से धर्म की सारी रीतियां थी, पर समय के साथ समाज बदलता है और रीतियां कुरीतियां बन जाती हैं। समाज का एक वर्ग उन रीतियों से पीड़ित होने लगता है और उस वर्ग के लिए वो रीति कुरीति हो जाती है। ऐसी ही कुरीतियों के खिलाफ या फिर ऐसे ही उसलों के खिलाफ समाज क्रांति करता है। हिंदू समाज में हमें बहुत सारी क्रांतियां देखने मिलती है, जैसे बुद्धिज्म, जैसे जैनिज्म, जैसे सिखिज्म, जैसे अम्बेडकर साहब के द्वारा की गई दलित वर्ग के लिए क्रांति। पर मुस्लिम समाज में हमें कोई भी क्रांति देखने नहीं मिलती, क्योंकि समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के हिसाब से ये धर्म बेस्ड ही कट्टरता के ऊपर। का कहना है कि रीतियों के खिलाफ अगर तुम आवाज उठाते हो, तुम जिंदा रहने के लायक ही नहीं। और इन्हीं रीतियों के चलते समाज का एक वर्ग मुस्लिम धर्म को हिंसा से भी जोड़ के देखता है। आइए इस धर्म की कुरीतियों के बारे में, जो रीतियां थी और अब कुछ लोगों के लिए कुरीतियां हैं, उनके बारे में बात करने से पहले इस धर्म की शुरुआत के बारे में जानते हैं। मुस्लिमिज्म और क्रिश्चियनिटी दोनों ही यहूदी धर्म से निकले हुए धर्म है। जो गिब्राइल जीसस को धरती पर लेके आई थी एक पैगंबर के तौर पे, वही गिब्राइल मोहम्मद जी को, जो तपस्या कर रहे थे, जो तप कर रहे थे, उनको कुरान के बारे में बताती या फिर कुरान का ज्ञान देती। कुछ लोगों के हिसाब से कुरान का ज्ञान मोहम्मद को खुद मिला था अल्लाह के द्वारा, उन्हें इन चीजों का आभास हुआ था। जो भी हुआ हो, पर उसके बाद मोहम्मद ने कुरान की रचना की, वही कुरान इस्लाम का बेस बना और आज इस्लाम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म में से एक है। वैसे तो इस्लाम बहुत ही बेहतर धर्म है और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं, पर कुछ कुरीतियां हर धर्म में होती हैं और आज हम इस्लाम की कुरीतियों के बारे में भी बात करेंगे। पहली चीज इस्लाम में जो साफ साफ दिखती है, वो है वुमेन सप्रेशन, औरतों को कम आजादी मिलना। ये इसके बारे में ठीक से डिस्कशन करते हैं। जब मैंने अपनी मुस्लिम बहन से बात की जिसके नाम के आगे शेख लगा था, तो उसका कहना था कि घर में ज्यादा आजादी ना मिलने के कारण पढ़ाई लिखाई में मुझे बहुत दिक्कत आई। उसका कहना था कि जल्दी शादी करने का प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बनाया जाता है। उसका कहना था कि सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं, मेरी और भी दोस्तों के ऊपर जो खुद भी मुस्लिम। ये चीज है एजुकेशन। एजुकेशन सोसाइटी की बहुत ही बेसिक नीड है, चाहे मर्द के लिए हो या औरत के लिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर इस्लाम में औरतों को बहुत ही कम आजादी दी जाती है और इसलिए बहुत समय से औरतों को पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। हम देखते हैं कि मलाला जैसी लड़की जो अपने देश में क्रांति करती है कि औरतों को भी पढ़ने का अधिकार मिले, उसके बाद उस क्रांति के दौरान उन पे हमला होता है, वो अस्पताल में भर्ती रहती है, वो अपनी किताब लिखती है, खुद पढ़ती है और लोगों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उसके बाद उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है।
और उनकी क्रांति भी पूरी की पूरी इस्लाम कम्युनिटी के ऊपर थी, कंजर्वेटिव इस्लामिक कम्युनिटी की तरफ थी। इस्लाम में जरूरी नहीं है कि इस्लाम को फॉलो करने वाला हर एक व्यक्ति कंजर्वेटिव, जैसे हर धर्म में कुछ लोग कंजर्वेटिव और कुछ लोग नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, वैसे ही इस्लाम में भी कुछ लोग कंजर्वेटिव और कुछ लोग नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। मेरी बहन जिसके नाम के आगे शेख लगा है कहती है कि मैं अपने मोहल्ले से निकलती हूँ, मुझे पर्दा करके निकलना पड़ता है, पर जैसे ही मैं कॉलेज पहुँचती हूँ मैं फटाफट सारे फालतू के कपड़े हटा देती हूँ। इसी बात के बारे में जब मैंने अपने मौलाना भाई से पूछा जो मेरे शहर की मस्जिद में रहा करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मोहम्मद जी की बेटी थी फातिमा जी, उन्होंने बहुत पर्दा किया और उन्होंने इतना पर्दा किया कि आसमान में रहने वाले फरिश्ते भी उनका बदन नहीं देख पाए, बदन क्या उनके बाल भी नहीं देख पाए। उन्हीं को फॉलो करती हैं सारी मुस्लिम धर्म की लड़कियां, उनका ऐसा कहना था। पर आज के समाज के संदर्भ में ये बात कितनी एप्लीकेबल, कितनी इस बात को अप्लाई किया जाना चाहिए या फिर औरतों पे थोपा जाना चाहिए, ये आप मुझे बताएं। उसके बाद हलाला भी वुमेन इंडिपेंडेंस पे एक बहुत बड़ा तमाचा था। तीन तलाक जैसी चीजों को तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ही बंद किया, पर हलाला और तीन तलाक जैसी चीजें अभी भी छोटे वर्ग में, छोटी जगहों में हमें देखने मिलती हैं, जो ज्यादा कंजर्वेटिव लोग हैं उनके पास देखने मिलती हैं। हलाला के दौरान एक मर्द जब एक औरत से तलाक ले लेता है तो मर्द दूसरे ही दिन चाहे तो किसी और से शादी कर सकता है, पर औरत को 4 महीने तक एक कमरे में बंद रहना पड़ता है। इवन उसके पिता भी उसका पूरा बदन, जिस्म, बाल कुछ नहीं देख सकते, उसे सिर्फ बंद रहना पड़ता है कमरे में। उस 4 महीने के बाद जब वो शुद्ध हो जाती है उसके बाद वो किसी और से शादी कर सकती। जब और जिन लोगों का तलाक हुआ था उन्हें फिर से शादी करना है तो उस औरत को उस मर्द के साथ, जिस नए मर्द के साथ उन्होंने शादी की है, उसके साथ तलाक लेके फिर पुराने वाले के साथ शादी करनी पड़ेगी। आज के समाज के संदर्भ में ये बात कितनी एप्लीकेबल, कितनी ज्यादा सही मालूम पड़ती, आप ही मुझे बताइए। तस्लीमा नशरीन जैसी बांग्लादेश की लेखिका जिन्होंने अपने बचपन के बारे में और मुस्लिमिज्म के बारे में, कुरान में लिखी गई आयतों के बारे में एक किताब लिखी तो उन्हें अपने आप को छुपा छुपा के देश देश भागना पड़ा। इनकी किताब लिबरलाइजेशन और क्रिटिसिज्म ऑफ मुस्लिमिज्म के ऊपर बेस्ड थी। इनके नाम पे कई फतवे चले। उसके बाद वुमेन सप्रेशन के बाद दूसरी चीज जो देखने मिलती है वो है कट्टरता और काफिर, जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरुआत में भी बात की। कट्टरता ही हिंसा का कारण है। जब आदमी कट्टर होता है अपने विचारों के आवेश में आके अपने हाथ में हथियार उठा के सामने वाले को मार देता है। खास इस बात का गवाह आपको ये सुनने में कैसा लगता है कि अगर आपका धर्म सामने वाला क्रिटिसाइज करेगा तो आप उसे मार देंगे। आज के समाज के संदर्भ में इन बातों का समाज में लागू होना समाज के लिए बहुत बड़ी हानि है। हो सकता है पहले के जमाने में, राजा महाराजाओं के जमाने में, डिक्टेटरशिप के जमाने में कोई और किसी को भी मार सकता था, राजा के हाथ में ही सारे लोगों की जान थी। आज हमारे देश में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है तो क्या लोग एक दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते? क्रिटिसिज्म से मेरा मतलब नेगेटिव क्रिटिसिज्म से नहीं है, मेरा मतलब रिफॉर्म वाले क्रिटिसिज्म से है जिससे धर्म में सुधार आए। सलमान रशीदी नाम के लेखक जब सेटेनिक वर्सेस लिखते हैं फिर उनके नाम से बहुत सारे फतवे चलने लगते हैं और पिछले ही साल उनके ऊपर हमला भी होता है। बात 21वीं सदी की है, ये मान के और ये जान के बहुत अजीब लगता है। उसके बाद तीसरी चीज है अंधविश्वास। ऐसे अंधविश्वास तो हर धर्म का कॉमन हिस्सा है। अंधविश्वास के नाम पे धर्म को चलाने वाले लोग जो अपने आप को धर्म का रक्षक बताते हैं, लोगों की कमजोरी के साथ खेलते हैं। बहुत सारे धर्म में और इस धर्म में भी हमें ये देखने मिलता है। पूरी की पूरी दुनिया में साइंटिफिक टेम्पर का होना बहुत जरूरी है और अब धर्मों को इस हिसाब से ढलना हो। ये तो साफ है कि हर धर्म की तरह इस धर्म में भी सुधार की बहुत आवश्यकता है, या फिर कह लो कि समाज के हिसाब से ढलने की आवश्यकता है, आज के समाज के संदर्भ में ढलने की आवश्यकता है। ना जाने क्यों हम 1400 साल पुरानी चीजों को या फिर हजारों साल पुरानी चीजों को लेके इतने तेज बैठ गए हैं और उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। समाज इतना बदल गया है और हम इस ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने लगे हैं तो जरूरी है कि समाज के हिसाब से हम चीजों को ढालें, उनके हिसाब से बदलें। सुधार वही करता है जो पीड़ित होता है। जो पीड़ित है उसे एक कदम उठाना पड़ेगा, उसे उन चीजों के खिलाफ आवाज उठानी होगी जिन चीजों के खिलाफ आवाज उठाने से समाज, वो डब्बा जो समाज उनके ऊपर रख चुका है और समाज की भ्रांतियां उन्हें रोक रही हैं।
जो पीड़ित हैं उन्हें उन चीजों के खिलाफ जरूर आवाज उठानी चाहिए जिन चीजों से वो पीड़ित हैं, और समाज उनके ऊपर रखा हुआ डब्बा और बाकी सारी भ्रांतियां उन्हें ऐसा करने नहीं दे रही। उन्हें हिम्मत करके एक कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि समाज में सुधार हमेशा सिर्फ कुछ लोगों के पहल से ही आया है। हो सकता है आप लोगों के मन में सवाल आए कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तो मैं भगत सिंह को याद करते हुए उनके एक कोट को याद करूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं एक इंसान हूं और इंसानियत से जुड़ी हर एक चीज से मेरा ताल्लुक है। उन्होंने ये भी कहा था कि एक व्यक्ति जो विकास के लिए खड़ा है उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी और उस पे सवाल खड़ा करना होगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाना और किसी की भी भावनाओं का अनादर करना हमारा मकसद नहीं था। हम दर्शन प्रोडक्शन में सिर्फ समाज सुधार के लिए वीडियो बनाते हैं। समाज में कुछ भी गलत हो तो उसके लिए बोलना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। फिर भी अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दर्शन प्रोडक्शन। धन्यवाद।